डबल सॉर्ट एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है वो आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बेसिक समझना होगा कि कोई भी जो एल्गोरिदम है ये किस तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले एक इनपुट रहता है, वो इनपुट इस एल्गोरिदम को दिया जाता है, ये एल्गोरिदम कुछ तो उसमें प्रोसेस करके एक आउटपुट थ्रो करता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस का जो इनपुट है उसी का ही आउटपुट हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को मैंने एक इनपुट दिया, ये नंबर्स की लिस्ट, ठीक है। ये सारे नंबर्स आगे पीछे दिए हुए हैं, जैसे 5, 2, 1, 4, 3, ये रैंडम नंबर्स है। अब ये जो इनपुट है मैंने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को बीच में दिया और बबल सॉर्ट एल्गोरिदम उसमें प्रोसेस कर रहा है, कुछ तो उसमें एल्गोरिदम लगा रहा है, प्रोग्राम लगा रहा है, और उसको आउटपुट में हमें ये देना है, ये सीक्वेंस देना है, 1, 2, 3, 4, 5, सारे नंबर सीक्वेंस में। तो ये जो एल्गोरिदम है ये किस तरीके से प्रोसेस करते हैं और कैसे ये काम करता है, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस YouTube चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब गाइस देखते हैं कि किस तरीके से बबल सॉर्ट एल्गोरिदम काम करता है। सबसे पहले आपको इस प्रोसेस को समझने के लिए ये समझना होगा कि पास क्या होता है, ठीक है। जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है ना, इसमें सपोज 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 5, 2, 1, 4, 3। अब टोटल नंबर ऑफ पास हम जो लगाएंगे वो होने वाले हैं 5 माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 5 है, 5, 5, 2, 1, 4, 3। ये 5 एलिमेंट को 1 में से माइनस किया तो 4 पास हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद रहता है कंपैरिजन, हर पास में कितने कंपैरिजन होंगे, तो उसके लिए फार्मूला रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस पास नंबर। जैसे 5 एलिमेंट्स है और पास नंबर 1 है तो 4 कंपैरिजन होंगे। अगर 5 एलिमेंट है और पास नंबर 2 है तो वहाँ पर 3 कंपैरिजन होंगे, 5 माइनस 2। वैसे ही अगर थर्ड पास है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 माइनस पास नंबर 3, तो 2 कंपैरिजन होंगे। इस तरीके से हम कंपैरिजन्स को करने वाले हैं। इसको रियल एग्जांपल पर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। अब हम पास 1 पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 और 2 को हम कंपेयर करेंगे। अगर 5 2 से ग्रेटर है तो हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, 5, 1, 4, 3। ये हो गया पास 1 का पहला कंपैरिजन। पास 1 में कितने कंपैरिजन होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, ठीक है, 5 माइनस पास नंबर 1, तो 4 कंपैरिजन इस पास में होने वाले हैं। तो पहला कंपैरिजन हमने कर लिया। अब सेकंड कंपैरिजन होगा 5 और 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 1 है क्या, आप बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं, 5 ग्रेटर देन 1 है तो स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 2, 1, 5, 4, 3। ये हो गया सेकंड कंपैरिजन, टोटल 4 करने हैं। अब तीसरा कंपैरिजन क्या होगा, 5 और 4 का, ठीक है। अब 5 ग्रेटर देन 4 है क्या, यस, तो हम स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएंगे, 2, 1, 4, 5, 3। अब फोर्थ कंपैरिजन क्या होगा, 5 और 3 का, 5 ग्रेटर देन 3 है क्या, यस, तो हम स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 2, 1, 4, 3, 5, ठीक है। तो ये 4 कंपैरिजन पास 1 के हमारे हो गए। अब सेकेंड पास हमारा क्या रहेगा, अब इसमें आपको ये नोटिस करना है कि जो भी सीक्वेंस हमें मिलते जा रही है ना उसको हमको नोट करते जाना है। अब सीक्वेंस क्या रहेगी, 2, 1, 4, 3, 5, ठीक है। अब ये पास 2 है, इसमें कितने कंपैरिजन होंगे, 5 माइनस पास नंबर जो है 2, तो 5 माइनस 2, 3, 3 कंपैरिजन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंपैरिजन में पहले दो एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, 2 और 1। अब 2 ग्रेटर देन 1 है क्या, यस, तो हम उसको स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 4, 3, 5। फिर सेकेंड कंपेरिजन किसका होगा, 2 और 4 का, 2 ग्रेटर देन 4 है क्या, नहीं, तो हम स्वैप नहीं करेंगे, सेम एलिमेंट्स रहेंगे, तो आउटपुट लिस्ट क्या आएगी, 1, 2, 4, 3, 5, ठीक है। अब थर्ड कंपैरिजन होगा 4 और 3 में, तो 4 ग्रेटर देन 3 है क्या, यस, तो हम स्वैप करेंगे, आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया थर्ड कंपैरिजन। तो ये सेकेंड पास के 3 कंपैरिजन अपने कंप्लीट हो गए। अब पास 3 रहेगा, ठीक है। अब पास 3 में कितने कंपैरिजन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और पास नंबर 3 है, तो 2 कंपैरिजन होंगे, 5 माइनस 3, 2 कंपैरिजन, ठीक है। अब 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, नहीं, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, सेम एलिमेंट रहेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड कंपैरिजन हम करेंगे 2 और 3 का, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं, स्मॉल है, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ही लिस्ट रहेगी। पास 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पास 4, पास 4 में कितने कंपैरिजन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, पास नंबर 4, तो 5 माइनस 4, 1 कंपैरिजन। तो 1 और 2 को कंपेयर किया, 1 ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे नो स्वैप, लिस्ट रहेगी 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमारे जो 4 पास थे जो है वो हमने कैलकुलेट किए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1,
5 माइनस 1 4 पास यहाँ होने चाहिए थे, ठीक है, वो हमने पूरे कर दिए, और हर पास के कितने कंपैरिजन होंगे वो भी हमने किए। तो फाइनल आउटपुट जो आया हमारा 1 2 3 4 5, इस सीक्वेंस में हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड था और वही हमें आउटपुट मिला। तो इस तरीके से ये बबल सॉर्ट एल्गोरिदम काम करता है। तो हमने क्या किया, एक जो एल्गोरिदम है उसको हमने एक इनपुट दिया नंबर्स का एरे, ठीक है, एक नंबर्स की लिस्ट मैंने उसको दे दी, उसने वहाँ पे रीशफलिंग करके उसमें जो भी पासेस थे कंपैरिजन थे वो करके स्वैप करके हमें आउटपुट दे दिया। अब आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करें। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज़ में बहुत पूछते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि ये लिस्ट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब 5 4 3 2 1 पूरी मतलब रिवर्स सीक्वेंस में यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, तो उस केस में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल पास कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो पहले पास में हमें कितने कंपैरिजन करने हैं, 5 माइनस 1, तो हो गए 4 कंपैरिजन। पास 2 में हमें कितने कंपैरिजन करने हैं, 5 माइनस 2, 3 कंपैरिजन। पास 3 में हमें कितने कंपैरिजन करने हैं, 5 माइनस 3, 2 कंपैरिजन। पास 4 में 5 माइनस 4, 1 कंपैरिजन। तो यहाँ पे आप एक अगर आप नंबर्स को नोट कर रहे हैं ना, तो रिवर्स ऑर्डर में एक एक नंबर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे n अगर 5 है तो n माइनस 1 मैं बोलूँगा 4 है, ठीक है। वैसे ही n माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 हम 3 बोलेंगे, फिर n माइनस 3। अब इसको आप n के वेरिएबल में अगर आप मेमोरी में लाएंगे ना डायग्राम, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, पर सपोज़ आपके पास जो फ़ोन की डिक्शनरी है उसको अगर आपको सीक्वेंस में सॉर्ट करना है, तो उस केस में आपको हजारों नंबर रहेंगे, ठीक है, लाखों भी रह सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि n क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n अगर 5 है तो ठीक है, अगर n 100 रहता तो हमें ये कंटिन्यू करते रहना होगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन यहाँ पे हुए। तो इसी को ही मैं बोल सकता हूँ कि n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला रहता है, ठीक है। तो इसमें से हमें कॉन्स्टेंट्स को जितने भी नंबर है सबको हटा के जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है n स्क्वायर, और उसमें मैंने बिग O लगा दिया क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होना। तो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसकी ड्रॉप कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि पहले ही पास में सारे कंपैरिजन क्लियर हो गए, तो उस केस में हम ओ ऑफ एन कंपैरिजन करेंगे, यानी पहले दो नंबर को कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को, फिर थर्ड और फोर्थ को, और फोर्थ और फाइव को। इसमें अगर हमें करेक्ट सीक्वेंस मिल जाती है तो वो हो गया हमारा बेस्ट केस, और हम उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देंगे ओ ऑफ एन, क्योंकि सिर्फ 5 ही एलिमेंट को कंपेयर किए इसीलिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि किस तरीके से हम पास को कैलकुलेट करते हैं, उसमें कितने कंपैरिजन्स होते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, तो आप फिर एक बार रिपीट करके देखेंगे वीडियो को, तो आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन पे अगर एक वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसका प्रोग्राम आपको सी या सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट करके बता दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।